आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इस आत्मनिर्भर भारत में जो फ्रंट रनिंग सेक्टर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया सेगमेंट में, वो है डिफेंस सेक्टर। दोस्तों, डिफेंस में आत्मनिर्भरता ज़रूरी भी है। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी आपका दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता है। जो आज आपका दोस्त कंट्री है, कल आपका एनिमी कंट्री भी बन सकता है। तो आप अपने डिफेंस के लिए किसी और कंट्री पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, और ये गवर्नमेंट अच्छे तरीके से समझती है। और पिछले तकरीबन 5-6 सालों से आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। भारत का पहला डेडिकेटेड डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है, तो उसके बारे में भी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडियन डिफेंस सेक्टर के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने वाले समय के अंदर इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए कहां कहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज के हमारे फंड के बारे में भी हम हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे, कैसे ये फंड निवेश करेगा, कहां कहां ये फंड निवेश कर सकता है और क्यों आपको इस फंड को कंसिडर करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए एक बेहतर फंड है, जिनमें वो 3-5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक अनुरोध और करना चाहेंगे आप सभी से। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल पर आए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, डिफेंस भारत का एक अभिन्न अंग है। हमारे जो नेबर्स से इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं, हम जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो हमें कंटिन्यूसली अपने डिफेंस पे तो स्पेंडिंग करना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ से अब भारत सिर्फ अपने लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, अब तो भारत की कंपनियाँ जो हैं, डिफेंस की कई सारी कंपनियाँ हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट, आपके स्क्रीन पे भी डेटा आ रहा होगा, यहाँ से 2025 तक 25 $25 बिलियन का भारत का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट, तो बड़ा टारगेट है। उसमें से भी तकरीबन अगर आप देखें 2025 तक भारत $5 बिलियन का डिफेंस का एक्सपोर्ट करेगा। तो भारत अब खुद के लिए तो डिफेंस के प्रोडक्ट बना ही रहा है, अब कई सारे जो हमारे मित्र राज्य देश हैं उनके लिए हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफेंस के प्रोडक्ट। तो डिफेंस में बड़ा काम हो रहा है। मेजरली डिफेंस में PSU जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ओन कंपनियां हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। तकरीबन 67% FY22 में प्रोडक्शन आया है PSU कंपनी से, और तकरीबन 25% के आसपास का प्रोडक्शन हुआ है आपके प्राइवेट लिस्टेड कंपनियों से, अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनियों से। तो अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां भी यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, और आगे भी गवर्नमेंट कई सारे प्राइवेट कंपनियों को भी सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, रिसेंटली ही फरवरी के महीने में बजट आया, बजट में तकरीबन 13% अलोकेशन डिफेंस के लिए दिया गया, 5.25 लाख करोड़ का डिफेंस अलोकेशन दिया गया। तो बड़ा अलोकेशन है, 5 लाख करोड़ के ऊपर का डिफेंस अलोकेशन बड़ा अलोकेशन माना जाएगा। पिछले साल तकरीबन 4.7 लाख करोड़ का था, तो पिछले साल भी ये इम्प्रूव हुआ, आगे भी ये इम्प्रूव होता रहेगा। डिफेंस में जैसे हमने कहा कि कंटिन्यूसली आत्मनिर्भर भारत पे फोकस है, R&D में भी बड़ा अलोकेशन दिया गया है, यहाँ से R&D में भी बड़ा काम होता रहेगा। और दोस्तों, कई सारे जो डिफेंस के आइटम हैं वो इम्बार्गो में रखे गए हैं, मतलब आने वाले समय में जो भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो इंडियन कंपनियों से ही फुलफिल हो, डोमेस्टिक ही प्रोडक्शन किया जाए, वो गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। तो ये कई सारे ऐसे ड्राइवर है जिसके कारण आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर फोकस में रहेगा, और कई सारे पब्लिक कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। दोस्तों, डिफेंस
सेक्टर क्यों ज़रूरी है और डिफेंस सेक्टर यहाँ से क्यों कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। तो हमने ऑलरेडी चर्चा की हमारे जो नेबर्स हैं, एक बड़ा नेबर है वो है चाइना, जो डिफेंस का एक सबसे बड़ा देश भी माना जाता है, सेकंड ग्लोबल सुपर पावर इसको माना जाता है। और चाइना के अगर आप देखें इतने अच्छे रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ नहीं रहे हैं, इंडिया तो छोड़ दीजिए, हर एक कंट्री के साथ जिनके साथ इनकी बॉर्डर है उनके साथ ये कन्फ्लिक्ट रखते हैं। और चाइना क्या चाहता है, चाइना ग्लोबल डोमिनेंस चाहता है। तो आगे भी चाइना कंटिन्यूसली अपने डिफेंस में स्पेंडिंग करता रहेगा और उसके सामने इंडिया को भी अपने डिफेंस को सशक्त करना पड़ेगा, ताकि कभी भी इंडिया कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, बट फ्यूचर में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट खड़ा हो तो हम उसको काउंटर कर पाए, इसके लिए इंडियन डिफेंस में स्ट्रेंथ लाना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो हमारा नेबर है पाकिस्तान, उससे भी हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं हैं, तो वहाँ भी अगर आप देखें कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं बॉर्डर पे। तो दोस्तों ये दो नेबर कंट्री है जिसके कारण इंडिया को कंटिन्यूसली अपने डिफेंस पे बड़ा फोकस रखना पड़ता है। दोस्तों जो ग्लोबल सुपर पावर है वो डिफेंस में भी सुपर पावर है। यूएसए जो विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर देश माना जाता है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, आज भी यूएसए अपने जीडीपी का तकरीबन 3% डिफेंस में स्पेंडिंग करता है। जैसे जैसे उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है वैसे वैसे उनका डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ता जा रहा है। 800 बिलियन यूएसडी का FY22 में इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर था। चाइना का कितना था, चाइना का था तकरीबन 290 बिलियन, यहाँ पे आप डेटा भी देख रहे हैं 293 बिलियन का चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर FY22 में था। इंडिया का इसके सामने कितना है, 77 बिलियन। दोस्तों यूएसए तकरीबन 10 गुना ज़्यादा भारत से स्पेंड कर रहा है करंटली डिफेंस में, चाइना भी तकरीबन 4 गुना ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है भारत के सामने। चाइना अपने जीडीपी का तकरीबन 2% डिफेंस स्पेंड करता है, यूएसए तकरीबन 3.5%, और इंडिया का अगर आप देखें FY22 में 2.5% के आसपास का जीडीपी का डिफेंस स्पेंडिंग रहा है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में यूएसए और चाइना अगर आप देखें इंडिया से कई आगे हैं, और आगे भी अगर आप देखें अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इंडिया को डिफेंस में भी सुपर पावर बनना पड़ेगा। ये जो बड़ी दो कंट्रियाँ हैं वो अपने डिफेंस के लिए बाहर से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखती है। यूएसए ग्लोबली अगर आप देखें डिफेंस के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता रहता है, चाइना भी अगर आप देखें करंटली कई सारे कंट्री को डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे इंडिया भी, आप जो इंडिया के मित्र राज्य हैं, इंडिया को अगर ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करना है, इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो आपको मिलिट्री सुपर पावर भी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक सुपर पावर बनते हैं तो कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका अगर डिफेंस में सुप्रीमसी होगा तभी आप ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट अवॉइड कर पाएंगे। दोस्तों पीस विथ स्ट्रेंथ, ये एक कोट है, आपका स्ट्रेंथ ही पीस आपके लिए लाता है। तो इंडिया को अपने स्ट्रेंथ पे तो निवेश करते रहने पड़ेगा, और गवर्नमेंट कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दोस्तों करंटली ग्लोबली सिचुएशन आप देख लीजिए क्या हो रहा है, तकरीबन 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। इसके अलावा सूडान जो एक छोटी सी कंट्री है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे अगर आप देखें सिविल रायट्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखें कई सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। चाइना और ताइवान का भी अगर आप देखें सालों का कन्फ्लिक्ट है, और भी कई सारे कन्फ्लिक्ट करंटली ग्लोबल एनवायरमेंट में चल रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, आपके कोई दोस्त यहाँ पे नहीं रहेंगे, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त नहीं होता है। तो यहाँ से हर एक कंट्री डिफेंस में अपना स्ट्रेंथ करे, जो बड़ी कंट्री है वो डिफेंस में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाती जा रही है, और वहाँ पे इंडिया भी करंटली डिफेंस में अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। दोस्तों इंडिया के डिफेंस सेक्टर के बारे में अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्री है, यूएसए चाइना और उसके बाद इंडिया का नाम आता है। बट डिफरेंस हमने देखा कि यूएसए के सामने हम कितना स्पेंड करते हैं, यूएसए 800 बिलियन यूएसडी स्पेंड करता है, जिसके सामने इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग कितना है, 77 यूएसडी का स्पेंडिंग है FY22 में। तो अभी भी ये दो जो बड़ी कंट्रियाँ हैं उनके पीछे तो हम बहुत पीछे हैं डिफेंस में स्पेंडिंग में, बट धीरे धीरे इंडिया भी डिफेंस में अपना खुद का
प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। अब खुद का अगर आप देखें, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस में पूरा का पूरा स्ट्रेंथ क्रिएट हो रहा है। दोस्तों डिफेंस में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 5 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। तकरीबन 330% डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है पिछले 5 साल में, आगे भी बढ़ता रहेगा। तो भारत दूसरे भी कई सारे कंट्री को डिफेंस के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 75 ऐसी कंट्री है जिसको हम करंटली डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे ये बढ़ सकता है। कई सारे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दोस्तों यूपी में एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और दूसरा भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो डिफेंस डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। रिसेंटली टाटा ने अनाउंस किया, बोइंग जो यूएस की कंपनी है उसके साथ मिलकर अब भारत में डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी टाटा। ऐसे कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं डिफेंस में, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के माध्यम से भी। दोस्तों तकरीबन 190 टेक स्टार्टअप हैं जो डिफेंस में डेडिकेटली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो टेक स्पेस में भी डिफेंस में बड़ा काम हो रहा है। दोस्तों टेक्नोलॉजी डिफेंस में सिर्फ आपका स्ट्रेंथ काम नहीं करता है, आपका टेक्नोलॉजी भी बड़ा काम करता है। और यहाँ पे भी ग्लोबली एआई में बड़ा काम हो रहा है डिफेंस सेगमेंट में, एआई, कम्युनिकेशन और अगर आप देखें साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक डिफेंस का ही अभिन्न अंग है। तो वहाँ पे भी कई सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो करंटली काम कर रहे हैं, जो आगे जाके बड़ी कंपनियाँ भी बन सकती है। दोस्तों जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की, गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट भी है। ये सारे के सारे डेटा आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, आप पॉज करके भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं क्या क्या एडवांटेज है इंडियन डिफेंस सेक्टर में करंटली निवेश करने के। तो दोस्तों गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट है, जैसे हमने बताया तकरीबन 400 से ज़्यादा आइटम्स को इम्बार्गो में रखा गया है। मतलब कि कोई भी डिफेंस पीएसयू कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो भारतीय डिफेंस के लिए सप्लाई कर रही है, तो ये तकरीबन 400 ऐसे आइटम हैं वो उनको इंडियन कंपनियों से ही लेने पड़ेंगे। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम है कि आप इंडियन कंपनियों को ही सपोर्ट करें। और इंडियन कंपनियां भी यहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रही है, उनको भी पता है कि गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है, तो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां भी अब बड़ा अपना फोकस कर रही है। टाटा एंटर कर रहा है और भी कई सारी कंपनियां डिफेंस में एंटर कर रही है। L&T कई सालों से डिफेंस में काम कर रहा है, भारत फोर्स का जो ग्रुप है वो भी डिफेंस में कई सालों से काम कर रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बड़े ग्रुप हैं जो करंटली इंडियन डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियों ने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, गवर्नमेंट कंपनियों ने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं। दोस्तों R&D स्पेंडिंग भी बड़ा हो रहा है, तकरीबन $3 बिलियन का R&D स्पेंडिंग अगर आप देखें तो करंटली हो रहा है। पिछले तकरीबन 10-12 सालों में ये 3 गुना बढ़ा है। 2010 से अब तक इंडिया का जो डिफेंस का R&D स्पेंड है वो 3 गुना बढ़ा है। करंटली $3 बिलियन हम R&D स्पेंड कर रहे हैं। डिफेंस में R&D करना पड़ता है, लंबा साइकिल होता है डिफेंस में। जब आपको कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या कोई नया प्लेटफॉर्म तैयार करना है तो कई सालों की रिसर्च लगती है, उसके बाद कई सालों का टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर आप देखें तो प्रोडक्शन में आता है। तो दोस्तों भारत के डिफेंस में कई सारे भारतीय के खुद के अगर आप देखें क्रिएटेड प्लेटफॉर्म है। 20-25 सालों का जो R&D का हमारा स्पेंडिंग था वो अब धीरे धीरे भारतीय डिफेंस के लिए काम कर रहा है। हम जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल प्लेटफॉर्म, ये अगर आप देखें भारत अब इसको कई सारे कंट्री को भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो आकाश, ये जो आकाश मिसाइल का प्लेटफॉर्म है ये भी अगर आप देखें हम भारतीय डिफेंस के लिए तो यूज़ कर रहे हैं और दूसरी भी कई सारे कंट्री को हम ये प्लेटफॉर्म सप्लाई कर रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा कई सारे आर्टरी गन भी गवर्नमेंट ने खुद डेवलप किए हैं, गवर्नमेंट कंपनियों ने, तो वो भी अगर आप देखें ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में भी अब ये सारे जो भारतीय डेवलप इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म है वो हम दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं। 85 कंट्रीज को ये कुछ प्रोडक्ट, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट की कंपनियां सप्लाई कर रही है। दोस्तों इंडिजिनियस परचेस बढ़ रहा है, तकरीबन अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में भारत में इंडिजिनियस जो परचेस है, जो भारतीय कंपनियां बना रही है उसका परचेस बढ़ता जा रहा है डिफेंस के लिए। करंटली ये 68% पहुंच चुका है। सालन जो भी परचेस हम करते हैं उसका 68% परचेस इंडिजिनियस है, मतलब भारत में ही इसका निर्यात हुआ है या इसका प्रोडक्शन हुआ है।
और यहाँ से आगे ये तकरीबन अगर आप देखें आने वाले 3 साल में 75% बन जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे इंडिजिनियस आइटम जो आइटम बोले या प्लेटफॉर्म बोले या प्रोडक्ट बोले इंडिया ने खुद डेवलप किए हैं, तो उसमें आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। दोस्तों ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भारत में बना हेलीकॉप्टर है दोस्तों, अपाचे, ये यूएस का हेलीकॉप्टर है। अपाचे और प्रचंड का आप यहाँ पे कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, इसको पॉज करके आप चेक कीजिए। प्रचंड और अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, बट उसके सामने कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो अपाचे जो है उसका कोस्ट तकरीबन 52 USD मिलियन होता है, मतलब तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का एक अपाचे हेलीकॉप्टर का कोस्ट होता है, जिसके सामने प्रचंड का कोस्ट तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का है। तो भारत अब प्रचंड का ये प्लेटफॉर्म है या जो हेलीकॉप्टर है वो इंडियन डिफेंस के लिए तो यूज़ कर रहा है, और अब बाहर की भी जो कंट्रियाँ हैं वो भी चाहेगी कि उनको एक सस्ते दाम में सिमिलर हेलीकॉप्टर मिल पाए डिफेंस के लिए। तो अपाचे के सामने प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है वो 200 करोड़ के लागत में मिल सकता है, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इंडियन डिफेंस के लिए। गवर्नमेंट इसको यूज़ करे, एक्सपोर्ट मार्केट में इसके लिए बड़ी डिमांड बन सकती है। उसके बाद तेजस, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट डिफेंस कंपनियों ने, कुछ बड़ी डिफेंस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, कई सारी कंपनियों का यहाँ पे योगदान है। तो ये भी अगर आप देखें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, और पिछले साल अगर आप देखें 40 तेजस ऑलरेडी डिफेंस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, और नए 81 तेजस का ऑर्डर पिछले साल दिया गया है। तो तेजस एयरक्राफ्ट अगर आप देखें करंटली इंडियन डिफेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसको भी कंपनियां एक्सप्लोर करें कि बाहर भी इसको आप एक्सपोर्ट करें, जो हमारे मित्र राज्य हैं उनको भी हम फ्यूचर में तेजस का ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टोरी है, धीरे धीरे इंडिया डिफेंस में बड़ा कंट्री बन रहा है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के बारे में, जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। न्यू NFO है, न्यू फंड ऑफर है, ये फंड कब ओपन हो रहा है तो 19 मई से ये NFO ओपन होगा और 2 जून तक ये NFO ओपन रहेगा। दोस्तों ओपन एडेड इक्विटी फंड है और यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर कौन है तो अभिषेक पोदार इसके फंड मैनेजर हैं, 17 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। दोस्तों ब्रीफ में चर्चा करते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में, कहाँ निवेश करेगा, तो वो तो हमने ऑलरेडी चर्चा की, डिफेंस सेक्टर की डेडिकेटेड जो कंपनियां हैं लिस्टेड मार्केट में वहां पे ये फंड अपना निवेश करेगा। बॉटम अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगी, 80% पोर्टफोलियो वहां पे रहेगा जहां पे ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड मार्केट में हैं जिनका 10% रेवेन्यू डिफेंस से आता है। अगर कोई कंपनी है, डेफिनेटली कई सारी कंपनियां डिफेंस के अलावा दूसरे काम भी करती है, बट अगर किस कंपनी का 10% ज़्यादा का रेवेन्यू डिफेंस के मार्केट से आता है तो उसको पोर्टफोलियो में कंसिडर किया जा सकता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट में ये फंड अपना निवेश कर सकता है। आपके सामने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। दोस्तों निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क को कंपनी फंड फॉलो करने की कोशिश करेगा। बेंचमार्क अगर आप देखें तकरीबन 13 जितनी कंपनियां हैं, और आप देखें तो ये जो इनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर में अभी भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां नहीं हैं, लिस्टेड मार्केट में जनरली अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स करंटली इस फंड का 21 कंपनियों के आसपास का रहेगा। ये जो 21 कंपनियां हैं जो आप यहां पे देख रहे हैं मार्केट के वाइज अगर आप देखें तो एक दो बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर की जो लिस्टेड स्पेस में है, एक मिड कैप कंपनी और 18 स्मॉल कैप कंपनियां हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं तो नाम भी आपको शायद पता ही होगा, बहुत बड़ा यूनिवर्स नहीं है, और आप निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है इसका बेंचमार्क है उसको भी चेक करेंगे तो उसके पोर्टफोलियो में भी जो कंपनियां हैं वो शायद इस फंड के पोर्टफोलियो में भी आएगी। कितना अलोकेशन रहेगा वो एक चेंज हो सकता है, बट सिमिलर कंपनियां ही रहेगी जिसमें आप जानते हैं कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इसके लिए अगर आप देखें तो BEL भी बड़ी डिफेंस की कंपनी है, भारत डायनेमिक्स बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, उसके लिए अगर आप देखें मिश्र धातु निगम, उसके बाद हम शिप बिल्डिंग में 3 बड़ी कंपनियां हैं आपका कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिज शिप बिल्डर और मजगाडो, तो ये भी तीनों लिस्टेड कंपनियां हैं और ये अगर आप देखें पिछले 3-4 साल से ये भी अच्छा काम करिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में रिसेंटली कुछ कंपनियां लिस्ट हुई है, MTR टेक्नोलॉजी,
पारस डिफेंस, और अगर आप देखें DCX सिस्टम नाम की एक कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, उसके बाद एवेंटल नाम की एक छोटी कंपनी है, और अगर आप देखें तो एक्सप्लोजिंग सेगमेंट में बनाने वाली सोलार इंडस्ट्री एक बड़ी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी है, बट ये भी मल्टीबैगर रहा है। प्रीमियम एक्सप्लोजिव, ये भी डिफेंस की कंपनी है। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं डिफेंस सेक्टर में जो हमने चर्चा की, ऐसी कंपनी का पोर्टफोलियो इस फंड का रहेगा। कहां पे एलोकेशन देंगे वो कहना मुश्किल है, जब पोर्टफोलियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट ये जो मोटा मोटा ये बास्केट है इसमें से ही पोर्टफोलियो बनेगा। 21 यूनिवर्स है कंपनियों का, तो बड़ा यूनिवर्स है नहीं, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, इसका डेटा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पिछले 5 सालों का इस इंडेक्स का रिटर्न कितना है, तकरीबन 20% के CAGR का। करंटली ये इंडेक्स 26 के PE पे चल रहा है और 6 के प्राइस टू बुक रेशियो पे चल रहा है, 1% डिविडेंड यील्ड है इस इंडेक्स का। तो इस इंडेक्स ने भी पिछले 5 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, और यहाँ से भी ये इंडेक्स बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है। वो क्यों दोस्तों? तो आप करंटली ये जो डिफेंस की बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी ऑर्डर बुक चेक करेंगे, तो करंटली ऑर्डर बुक इनके रेवेन्यू का 4 गुना से ज़्यादा है। दोस्तों जितनी भी डिफेंस की कुछ बड़ी कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक उनके रेवेन्यू के 4 गुना से ज़्यादा है, तो कंपनियों के पास करंटली बड़ी ऑर्डर बुक है। जो बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं उनके पास लाखों करोड़ों की ऑर्डर बुक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास कई बड़ी ऑर्डर बुक है, 81 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनको मिला है। इसके अलावा BEL, BEML, भारत डायनेमिक्स, इन सभी की सभी कंपनियों की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, और ये तकरीबन सालाना 6-8% के CAGR से बढ़ रही है। दोस्तों अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डिफेंस सेक्टर में है। अगर हम भारत की 5 डिफेंस कंपनियां और US की 5 बड़ी डिफेंस कंपनियों को कंपेयर करें, उसका डेटा भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो US की जो नंबर 1 डिफेंस की कंपनी है उसका रेवेन्यू है $67 बिलियन का, जिसके सामने भारत की जो नंबर 1 सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है शायद, उसका रेवेन्यू है $4 बिलियन। 67 के सामने हमारी सबसे बड़ी कंपनी का है $4 बिलियन। सेकंड नंबर की जो यूएस की कंपनी है उसका रेवेन्यू $66 बिलियन का है, जिसके सामने इंडिया के अगर आप देखें सेकंड नंबर की कंपनी है उसका रेवेन्यू बहुत ही कम है, $1-2 बिलियन का है। टोटल यूएस की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस की उसका टोटल रेवेन्यू है $350 बिलियन, $350 बिलियन, जिसके सामने भारत की जितनी भी लिस्टेड डिफेंस कंपनियां हैं उसका टोटल रेवेन्यू है तकरीबन $10 बिलियन, 10 या 12 बिलियन। तो यूएस की जो 5 बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं वो आप देखें तो 35 गुना से ज़्यादा भारत की टोटल डिफेंस है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। यूएस कई सारे कंट्री में डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, करंटली भी रशिया और यूक्रेन का जो कंफ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे कंटिन्यूसली डिफेंस के सप्लाई कर रहा है यूएस यूक्रेन को, और भी कई सारे कंट्री को यूएस अपने डिफेंस के प्रोडक्ट सप्लाई करता है, फ्री में नहीं करता है, वहाँ पे वो पैसे लेते हैं, और ये इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट करने का, और इसीलिए ये कंपनी सुपर पावर बन पाई है डिफेंस टेक्नोलॉजी के कारण। और इंडिया भी यहाँ से आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में बड़ा स्ट्रेंथ करेगी, तो इंडियन डिफेंस कंपनियों के लिए भी फ्यूचर में इंडियन मार्केट में और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इस फंड के माध्यम से आप इस स्पेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया यूनिवर्स छोटा है, 21 कंपनियों का यूनिवर्स है, तो कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो रहेगा। कुछ रिस्क भी हैं क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ा मायने रखती है, कितना डिफेंस स्पेंडिंग करना है वो बहुत बड़ा फोकस में रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है इस सेक्टर पे, अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो पॉलिसी भी बदल सकती है, तो ये एक रिस्क है बड़ा, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा ज़्यादातर कंपनियाँ PSU कंपनियाँ हैं और डिफेंस के लिए काम करते, तो प्रॉफिट मोटिव इतना बड़ा उनके लिए नहीं होता है, देश की रक्षा बड़ा मोटिव होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं जो इंडियन डिफेंस के अलावा बाहर भी काम करी है, तो वो एक ग्रोथ का ड्राइवर रहेगा, और भी नई नई प्राइवेट कंपनियां फ्यूचर में लिस्ट होगी तो वहाँ पे यूनिवर्स बढ़ सकता है, बट करंटली छोटा यूनिवर्स है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा रिस्की फंड है ये, आपको समझ के ही इसमें निवेश का कंसिडरेशन करना है,
यहाँ से अगर आपके पास 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम है तो इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो ही निवेश कीजिएगा। और थीमेटिक फंड है तो आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ज़्यादा का एलोकेशन यहाँ पे नहीं देना है। तो दोस्तों ये था HDFC डिफेंस फंड के NFO पे हमारा डिटेल एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से इस वीडियो को और हमारे इस इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।